Hello everyone, welcome to Dikshant's EduTech. Today I am going to take English of class 10 from first flight and the topic is two stories about flying. So today I am going to teach you section 2 of this lesson, the black aeroplane. So today I am going to start part 1 of this lesson. So let's begin. So first of all, I'd like to give a brief introduction about the writer Frederick Forsyth. Frederick Forsyth, as the name suggests, he was born on August 25, 1938 in Ashford, Kent, England. So he was born on 25 August 1938, Ashford, Kent, England, and he is still alive. He is remembered as a British author of best-selling thriller novels noted for their journalistic style and their fast-paced plots based on international political affairs and personalities. So Frederick Forsyth एक ब्रिटिश राइटर हैं और इनके बेस्ट थ्रिलर नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं. ऐसे रोचक और रोमांचक नॉवेल्स लिखते हैं और जिससे कि उनके नॉवेल्स में इनके जर्नलिस्टिक स्टाइल को दर्शाया गया है और ऐसे सुंदर सुंदर प्लॉट्स का इन्होंने यूज किया है विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पर्सनैलिटीज. सो बेसिकली ये इनका नॉवेल्स बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मतलब थ्रिलर के रूप में जाने जाते हैं. थ्रिलर नॉवेल्स लिखने में काफी माहिर हैं. ही इज बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज द डे ऑफ द जैकॉल. बहुत सारे थ्रिलर्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं जो कि बहुत ही इनका फेमस हुआ है, जैसे द डे ऑफ द जैकॉल, द ओडिशा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द डॉग्स ऑफ वॉर, द डेविल्स अल्टरनेटिव, द फिस्ट ऑफ गॉड, आइकन, द वेटरन, एवेंजर, द अफगान, द कोबरा एंड द किल. ये सब इनके जाने माने नॉवेल्स लिखे गए हैं और ये बहुत ही फेमस नॉवेल राइटर के रूप में ये उभरे और इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत फेमस हुए क्योंकि ये बहुत ही चर्चित रहे इनके लेखन के कारण. ये इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं कि इनका इनके लेखन को लोग पसंद करते हैं और बहुत प्रेज करते हैं. ओके, नेक्स्ट. Before becoming a journalist, Forsyth completed his national service in the Royal Air Force as a pilot. So, as a journalist भी ये काम किए हैं. कहानी लेखन, उपन्यास लेखन के साथ साथ जर्नलिज्म में भी इनका बहुत रुचि रहा और एज ए जर्नलिस्ट ये काम किए हैं और साथ ही साथ ये अपना नेशनल सर्विस भी दिए हैं रॉयल एयरफोर्स में. एज ए पायलट ये काम किए हैं रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश का जो रॉयल एयरफोर्स है, ब्रिटिश का रॉयल एयरफोर्स में ये काम किए हैं और अपना सर्विस को पूरा किए हैं. फॉर विच ही फ्लू द डे हैविलैंड वैम्पायर. ये बहुत ही फेमस प्लेन है, फाइटर जेट है जिसको इन्होंने उड़ाया था, जिसको इन्होंने एज ए पायलट इसको इस डे हैविलैंड वैम्पायर जो जेट प्लेन है उसमें ये काम भी किए हैं. ही ज्वाइन रेवट्यूज इन 1961 एंड 1965 द बीबीसी फॉर विच ही सर्व्ड एज एन असिस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट. एंड ही ज्वाइन रेवट्यूज इन 1961 में रेवट्यूज ज्वाइन किए और उसके बाद 1965 में इन्होंने बीबीसी ज्वाइन किया और एज एन असिस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट ये काम किए बीबीसी के लिए. तो इनका बहुत बड़ा योगदान है. ये नौकरी भी किए हैं
रॉयल एयरफोर्स में और एज ए पायलट, और साथ साथ बहुत सारे लेखन का कार्य भी इन्होंने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका रुचि कितना रहा है, एज ए पायलट काम करते हुए ये कितने सारे उपन्यास और कितने सारे कहानियों का लेखन किए हैं। तो ये रहा इनके बारे में। अब मैं आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। ये लेसन जो है ब्लैक एरोप्लेन, ये फ्रेडरिक फोर्सिथ का लिखा हुआ ये कहानी है, और इसमें यह दर्शाया गया है किसी का जो जजमेंट होता है कभी कभी जो फैसला होता है गलत फैसला भी लेता है, और जिससे कि जिंदगी में मनुष्य बहुत सारे परेशानियों को झेलता है गलत फैसले के कारण। इसीलिए हमें गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। जहां जोखिम भरा कोई काम है, जोखिम भरा सिचुएशन है, वहां सही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये द ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसी कहानी है जहां लेखक अपने प्लेन में जाते हैं और ये क्लाउड्स में बादलों के बीच में फंस जाते हैं, बारिश के बीच में फंस जाते हैं, और ही नेवर गिव्स अप, ही थिंक्स ऑफ गोइंग टू मीट हिज फैमिली इन ब्रिटेन एंड ही मूव्स थ्रू द क्लाउड्स ऑल्सो। इन दिस चैप्टर द नैरेटर इज अ पायलट हु इज सो ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग। तो ये क्या करते हैं नरेटर, क्या करते हैं इस लेशन में, यह दर्शाते हैं कि वो एक पायलट के रूप में काम कर रहे हैं, और ही इज सो एंशियस टू मीट हिज फैमिली एंड हैव ए गुड ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली इन ग्रेट इन इंग्लैंड दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग। तो स्टॉर्मी वेदर में काले बादलों के बीच से अपना उड़ान भरते हैं, अपने प्लेन को लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही लालसा रहता है कि जल्द से जल्द अपने परिवार से मिले, क्योंकि ये छुट्टियां बिताने जाते हैं, इनको पायलट का काम करते करते इनको कुछ दिनों की इनको छुट्टी मिलती है, और इसी के दौरान वो क्या करते हैं ग्रेट ब्रिटेन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस से उड़ान भरते हैं और इंग्लैंड पहुंचने का कोशिश करते हैं, और रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि स्टॉर्मी क्लाउड्स में घिर जाते हैं, फिर भी ये हार नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल एज एन एडवेंचर इसको लेते हैं और इस रिस्क को लेते हुए ये आगे बढ़ते हैं। माइरेक्यूलसली ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ ए मिस्टीरियस एरोप्लेन, और एक मिराकल होता है, ये एक मिराकल ही करते हैं, क्योंकि ये किसी प्रकार से एक मिस्टीरियस, एक रहस्यपूर्ण ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की मदद से ये किसी प्रकार से वहां से बादलों के बीच से सही एरोड्रम पर लैंड करने में सक्षम होते हैं, एयरपोर्ट पर लैंड करने में सक्षम होते हैं, और इस प्रकार से इनकी जिंदगी बच जाती है और खुशी खुशी अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं इस कहानी में। थीम ऑफ द लेसन, सो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थीम, इस लेसन का क्या थीम है यह भी बता देना चाहता हूं। समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजंस एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। कभी कभी ऐसा भी समय आता है हमारी जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में, कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और सही समय सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत हमारे लिए बहुत टफ काम हो जाता है डिसीजन लेना, और मन में कोई शंका रह जाती है और डर से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वी कंसिडर सम हेल्पफुल इंसिडेंट्स टू बी मिराकल्स एंड मिस्ट्रीज, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ घटनाएं ऐसी होती है, कैसे कुछ ऐसे सिचुएशन हम गुजरते हैं जो कि एक मिराकल बन जाता है और एक मिस्ट्री भी बन जाता है, वो पूरा जर्नी पूरा सफर एक मिस्ट्री बन जाता है और इसको मिस्टीरियस बनाता है। दीज इंसिडेंट्स टेक अस आउट ऑफ ट्रबल
एंड आर नथिंग एल्स बट आर माइंड्स करेज एंड स्ट्रेंथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन। तो इस प्रकार का इंसिडेंट जो घटनाएं घटते हैं हमारे जीवन में हमें वैसे मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं, और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिमाग का मेंटेलिटी का एक सोच है जो कि हमारे मन में कभी कभी करेज जैसे भावना आ जाता है, साहस पूर्ण काम करने के प्रति हम झुक जाते हैं, मतलब काम को अंजाम देते हैं, और हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है ऐसा करेज और स्ट्रेंथ आता है कि हम किसी भी संदेहपूर्ण स्थिति सिचुएशन से डाउटफुल सिचुएशन से हम बाहर निकल जाते हैं। ऐसे सस्पिशन भरा सिचुएशन से हम किसी प्रकार बाहर निकलते हैं और बहुत बड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। सच इंसिडेंट हैपेंस विद द नरेटर द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा प्लेन हु इज फ्लोन आउट ऑफ द स्टॉर्म बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। और ऐसा ही घटना इस लेखक के साथ होता है, इस कहानीकार के साथ होता है, इस नरेटर के साथ होता है जो कि डकोटा प्लेन के पायलट हैं और ये बादलों के बीच में स्टॉर्मी क्लाउड से अपने प्लेन को लेकर वो निकल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक मिस्टीरियस एक रहस्यपूर्ण ब्लैक एरोप्लेन इसका इनका मदद करता है, इनको इस समस्या से इस घटनाक्रम से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये बादलों के बीच में घिर जाते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पूरा सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, लेकिन एक ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो कि अपना ब्लैक एरोप्लेन उड़ाते हुए इनको फॉलो करता है, इनका पीछा करता है और आगे निकल जाता है और इशारा करता है कि ये उनको फॉलो करे और ये एक एयरपोर्ट पर इस प्रकार से लैंड करते हैं। नेक्स्ट, नाउ द लेसन बिगिंस फ्रॉम हियर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। लेखक कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है इनके पीछे पीछे आ रहा था ईस्ट के तरफ, पूरब से पूरब की तरफ चंद्रमा इनके पीछे पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा था और जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे, आकाश एकदम साफ सुथरा था और जो मौसम था बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा था। इनके सर के ऊपर जो आकाश था ये बिल्कुल साफ सुथरा था, तारे दिखाई दे रहे थे, कोई भी बादल नहीं थे और बारिश और आंधी तूफान का कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा था इनको। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई बादल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड एंड द राइटर द नरेटर वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। ही वॉज ट्रेवलिंग इन हिज ओल्ड डकोटा प्लेन एंड ही वॉज पासिंग थ्रू द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब देहात वाले एरिया से निकल रहे थे, रूरल गांव का एरिया था तो गांव को देहाती एरिया के ऊपर से ये अपने प्लेन को उड़ा रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस होते हुए ये अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को इंग्लैंड लेकर जा रहे थे, ये अपने प्लेन में सवार थे और अकेले थे और ये फ्रांस से निकलकर ये इंग्लैंड जा रहे थे अपने घर अपने छुट्टियों को बिताने के लिए। उन्हें लंबे काफी दिनों बाद उन्हें एक लंबी छुट्टी मिली थी, हो सकता है लंबी छुट्टी होगी या शॉर्ट लीव होगा, हॉलीडे होगा, लेकिन जो भी छुट्टियां इन्हें मिली छुट्टियों को बिताने के लिए ये अपने घर इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। और ये जब प्लेन में अपने प्लेन में जा रहे थे ओल्ड डकोटा प्लेन में, तो ये बहुत ही खुश मिजाज अवस्था में थे। ही वॉज फीलिंग इमेंसली हैप्पी एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली मेंबर्स विथ हिज चिल्ड्रेन विथ हिज वाइफ विथ हिज पेरेंट्स एंड स्पेंड द टाइम विथ देम। I looked at my watch, 1:30 in the morning, and the time when he was flying back from
France to England. He in the way he looked at his watch and he saw that it was 1:30 AM, 1:30 in the morning. मतलब इसको हिंदी में रात्रि का पहर माना जाता है और रात का समय था, रात का 1:30 बज रहा था जब ये अपना प्लेन उड़ा रहे थे, जब ये फ्रांस से निकले उस समय 1:30 बज रहा था, आगे निकल गए थे. I should call Paris control soon, I thought. और अपने प्लेन को उड़ाते हुए, प्लेन में जाते हुए यह सोच रहे थे कि अब उन्हें पेरिस कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करना होगा. He should contact Paris control. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. और पेरिस कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करने के बारे में इन्होंने सोचा और ये अपने प्लेन के नोज के तरफ देखे, जो पॉइंटेड जो एरिया है सामने में उसके तरफ देखे और देखे तो क्या दिख रहा है, सामने में दिख रहा है लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब बड़े शहर का, बड़े नगर का लाइट्स दिखाई दे रहे थे. जैसे ये पेरिस हो सकता है, पेरिस से गुजर रहे थे या गुजरने वाले थे. आई स्विच ऑन द रेडियो, ये अपना रेडियो को स्विच ऑन किया और ये पेरिस कंट्रोल में कांटेक्ट करना शुरू किया और इस तरीके से कांटेक्ट किया, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. ये कहने लगे, पेरिस कंट्रोल मैं डकोटा DS-088 से बोल रहा हूं, कैन यू हियर मी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड. और ये पेरिस कंट्रोल से वायरलेस पे बात कर रहे हैं, रेडियो पे बात कर रहे हैं कि मैं अभी इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूं. ओवर, उधर से क्या, फिर ये बोले ओवर. ऐसा तरीका रहता है जब ये पायलट्स लोग कांटेक्ट करते हैं कंट्रोल में, तो ऐसा ही कहते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, मतलब अपने प्लेन का नाम बताते हैं जिस मॉडल का प्लेन रहता है और लास्ट में ओवर इस शब्द का प्रयोग करते हैं. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जैसे इन्होंने अपना परिचय दिया वैसे ही पेरिस कंट्रोल से तुरंत इनको जवाब मिलता है, तुरंत जवाब मिलता है. DS-088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर. और उधर से पेरिस कंट्रोल टावर से, कंट्रोल सेंटर से रिप्लाई मिलता है इनको, तुरंत उत्तर मिलता है कि DS-088 मैं आपको सुन पा रहा हूं और आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है, आपको अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको मोड़ना होगा आपको इंग्लैंड जाने के लिए. DS-088 ओवर. ओके, आगे क्या होता है देखिए. आई चेक द मैप एंड द कंपास, उनका प्लेन में जो मैप है, कंपास है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको नरेटर ने चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फर्स्ट फ्यूल टैंक, दो फ्यूल टैंक था उनके प्लेन में, तो पहला फ्यूल टैंक जो जिसमें ईंधन रखा हुआ है, फ्यूल है, वो खत्म हो चुका था और सेकंड फ्यूल टैंक का स्विच को ऑन करते हैं यूज करने के लिए. एंड टर्न द डकोटा 12 degrees वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डकोटा प्लेन को 12 degrees वेस्ट की तरफ इन्होंने मोड़ा इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. और इसी उड़ान के दौरान यह भी मन में मन इनको गुदगुदी हो रही है, मन में खुशी हो रही है कि वो समय से पहुंच जाएंगे जिससे कि इनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, इस समय से पहुंच जाने से इनको नाश्ता मिलेगा, ये सोच बैठे. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट इनको मिलने जा रहा है. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और सब कुछ अच्छा जा रहा था, यह एक बहुत ही आरामदायक उड़ान था और कोई दिक्कत नहीं था इन्हें रास्ते में, अपने उड़ान को
भली भांति बहुत अच्छा से इन्होंने शुरुआत किया था, उड़ना शुरुआत किया था और अच्छा से अपने प्लेन को उड़ा रहे थे आकाश में, तो कोई दिक्कत नहीं था इनके उड़ान में, कोई दिक्कत नहीं आई, इनका बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी था, बहुत ही आरामदायक था, बहुत ही इजी फ्लाइट था। नेक्स्ट, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब इन्होंने बादलों को देखा तो पेरिस करीब इनसे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था, मतलब पेरिस से ये 150 किलोमीटर आगे आ गए थे पेरिस से। पेरिस क्या है, ये राजधानी है फ्रांस का, तो ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गए थे और जैसे निकल गए तो इन्होंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स। कैसा क्लाउड्स थे, आंधी तूफान वाले बादल दिखाई दे रहे थे, ऐसे बादल जो कि आंधी तूफान लेकर आते हैं। दे वेर ह्यूज, और जो क्लाउड्स थे बहुत विशाल प्रकार के क्लाउड्स थे, बड़े बड़े क्लाउड्स थे। दे वेर एनॉर्मस क्लाउड्स व्हिच ही सॉ इन द स्काई, हु द नरेटर, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और ये जो बड़े बड़े बादल थे कैसे दिखाई दे रहे थे लेखक को, ब्लैक माउंटेन्स के जैसे दिखाई दे रहे थे, काले काले पर्वत के जैसे दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके सामने ये बड़े बड़े विशाल जो बादल थे जो कि पर्वत के जैसे थे इसके सामने खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और इनको पता था कि अब ये अपने उड़ान नहीं भर सकते, उड़ नहीं सकते हैं उन बादलों के ऊपर से, बादलों के बीच से ये निकल नहीं पाएंगे, इनको पता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और इनके प्लेन में, प्लेन के टैंक में और ज्यादा ईंधन नहीं थे जो कि ये नॉर्थ या साउथ तरफ अपने उड़ान भर सके, जा सके अपने प्लेन को लेकर। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, और तब इन्होंने उन विशाल बादलों को देखकर सोचा, थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्यों ना पेरिस चला जाए, पेरिस लौटा जाए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, ये उन विशाल बादलों के बारे में सोचे और फिर सोचे कि फिर पीछे पेरिस लौटा जाए, रिटर्न करें, वापस हो जाए, लेकिन इनको अपने घर जाना था, बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे थे, इसीलिए घर जाने की मन में बहुत ही एंसियसनेस थी, बहुत ही खुशी थी। ही वॉज ईगर टू गो होम एंड बी विथ हिज फैमिली, दैट्स वाई ही डिडंट टर्न बैक। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एट हिज होम, सो ही वॉन्टेड टू गेट बैक टू हिज होम। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और तब इनको मन में घर की बात याद आई कि जल्द से जल्द हमें घर पहुंचना है, तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, और इन्होंने रिस्क लेने का, इस जोखिम को लेने का, जोखिम उठाने का इन्होंने फैसला किया और अपने पुराने डकोटा प्लेन को स्टॉर्म के उस आंधी तूफान में उड़ाने लगे, आंधी तूफान से आगे बढ़ने लगे। आंधी तूफान स्टॉर्मी क्लाउड्स थे और आंधी तूफान चल रहे थे, उसी बीच अपने प्लेन को भी आंधी तूफान में लेकर आगे बढ़े इंग्लैंड की तरफ। नेक्स्ट, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और बादलों के अंदर जब ये बादलों के अंदर घुस गए तो देखा कि अचानक सब कुछ पूरा काला दिखाई देने लगा, पूरा अंधेरा दिखाई देने लगा, कुछ नहीं उनको सूझ रहा था जब बादलों के अंदर अपने प्लेन को लेकर घुस गए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और प्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, प्लेन में हो सकता है सामने में लाइट्स हो लेकिन लाइट से भी कोई मदद नहीं इनको मिल रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और ये पुराना एरोप्लेन था डकोटा DS-088, और ये क्या कर रहा था,
जंपिंग कर रहा था एयर में, इट वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, मतलब मुड़ जा रहा था, इधर उधर घूम रहा था प्लेन, कभी इधर ऐसा घूमता कभी ऐसा घूमता, कभी कभी बाउंस करता. सो इट वॉज बाउंसिंग इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपास एंड ही चेक द कंपास. द नरेटर चेक द कंपास एट दैट टाइम. आई कुडंट बिलीव माई आईज, बट द कंपास वॉज नॉट वर्किंग एंड दैट्स वाई ही कुडंट बिलीव हिज आईज. उसको उनको विश्वास नहीं हो रहा था नरेटर को जो स्थिति से ये गुजर रहे थे. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड. अब कंपास सिर्फ गोल 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 सिर्फ घूम रहा था, कुछ संकेत नहीं कर रहा था, कुछ इशारा नहीं कर रहा था कंपास. इनको कंपास का सिग्नल भी मिलना चाहिए था जिससे कि आगे बढ़े, लेकिन कंपास का जो जो कांटा था वो सिर्फ गोल घूमते जा रहा था, घूमते जा रहा था. इट वॉज डेड. एक्चुअली द कंपास वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क एंड द कंपास हैड स्टॉप्ड वर्किंग. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड. और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट भी एकदम अचानक वो भी काम नहीं कर रहे थे, डेड हो गए थे. दे वर नॉट वर्किंग एट ऑल. बाकी सब इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे. डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. अब वो रेडियो पर कॉन्टैक्ट करने का सोचे कि कोई कंट्रोल सेंटर में कॉन्टैक्ट करे जहां एयरपोर्ट होगा. तो वहां कंट्रोल टावर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, जहां पर पायलट्स कॉन्टैक्ट करके सही समय पर सही जगह वो अपने प्लेन को लैंड कराते हैं. ओके, तो इन्होंने सोचा कि रेडियो को कॉन्टैक्ट किया जाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. वी हैव कंप्लीटेड पार्ट वन ऑफ दिस लेसन. आई विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय, सी यू, थैंक यू.